जनपद चमोली के विकास खंड पोखरी के ग्राम पंचायत बंग थल में 11 दिवसीय पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चक्रव्यूह लीला में कौरवों द्वारा वीर अभिमन्यु को छल से मारने का मार्मिक मंचन किया गया है। और इस दौरान पात्रों के संजीदा अभिमन्यु ने दर्शकों की आंखें नम कर दी। चक्रव्यूह मंचन का शुभारंभ बीजेपी के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र पाल भंडारी ने फीता काटकर किया है। चमोली से संदी नीरज कंडारी की रिपोर्ट। हमारा संदेश तो यही है कि ये पौराणिक परंपराएं हैं। अब जैसे जैसे आप मॉडर्न संस्कृति में देख रहे होंगे कि पुरानी चीज़ें लोग भूलते जा रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि भाई यही परंपरा आगे बढ़े, हमारे बच्चे भी सीखें कि भाई चक्रव्यूह क्या होता है, गांव में पांडव नृत्य कैसे होता है। ये गढ़वाल की संस्कृति है, इसी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं हम। सबसे पहले आपको बधाई दूंगा, आप इस कार्यक्रम में आप पहुँचे हैं, और मैं बधाई दूंगा ग्राम बंगथल की सम्भ्रांत जनता को कि उनके द्वारा जो अपनी संस्कृति, हमारी जो पहाड़ की महान धार्मिक संस्कृति और सभ्यता है, उसको जीवंत रखने के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं और नियमित समय समय पर यहाँ पर ये कार्यक्रम होते रहेंगे। मैं अपना भी सौभाग्य मानूंगा कि आज मुझे दोबारा इस चक्रव्यूह में आज यहाँ पर उपस्थित होने का जो मौका मिला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और इस ये पहले तो सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है आज इस हमारे चक्रव्यूह कार्यक्रम में। ये विगत हमारे गांव में पुराने हमारे पूर्वजों से ये रीति नीति चली आ रही है, जिसका कि हमारे गांव हमेशा ही पालन करते आ रहा है। अपनी रीति नीति, अपने देश की संस्कृति को प्रभावी रखने के लिए, अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए हमारे गाँव में ये विगत हमेशा से ही ये रीति रीत चली आ रही है। पांडव लीला से लेकर रामलीला हो, चाहे पांडव लीला हो, चाहे चक्रव्यूह हो, चाहे कमल व्यू हो।